भगवान ज्ञान से ना मिलेंगे, पूजा से ना मिलेंगे, तीर्थ यात्रा कर लो कितनी भी, पर प्रेम ना हुआ आपका। सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग इसलिए किया जाता है कि भगवान से प्रेम हो जाए, और सत्संग करने के बाद भी भगवत प्रेम नहीं हुआ तो फिर सत्संग करने का लाभ क्या है? प्रेम तो हुआ ही नहीं। एक पिता ने अपनी बेटी के विवाह में करोड़ों खर्च किए, लेकिन लड़की और उसका जो दुल्हा था, पति था, उन दोनों में प्रेम नहीं हुआ एक दूसरे में। शादी में करोड़ों खर्च हुए पर पति पत्नी दोनों में प्रेम नहीं हुआ, दोनों में मेल मिलाप नहीं हुआ। तो बताओ, इतना खर्चा करना सार्थक हुआ कि व्यर्थ गया? जोर से, इतना खर्चा हुआ ही इसलिए था कि ये दोनों खुश रहें। ये दोनों, पिता ने अपनी बेटी को इतना धन धान्य दिया, दहेज दिया, इसलिए कि ये दोनों खुश रहें, पर दोनों में प्रेम हुआ नहीं। उन दोनों का प्रेम कहीं और था, किसी और से। तो बाप का करोड़ों खर्च करना बेकार है। ऐसे आप भी करोड़ों खर्च कर लो तीर्थ यात्रा में, इसमें उसमें, यज्ञ में, ओ फला वो फला में, लेकिन भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं तो वो सब करोड़ों खर्च करने बेकार है। क्योंकि उद्देश्य है भगवान से प्रेम हो जाना। प्रेम तो हुआ ही नहीं। आप वृंदावन आए, बिहारी जी का दर्शन किए चले गए, पर प्रेम तो हुआ नहीं। सत्संग किया आपने, पर भगवान के लिए आंसू तो आए नहीं, प्रेम हुआ नहीं। तो फिर आप औपचारिकता पूरी करने आए थे कि सब जाते हैं हम भी जाएं, चलो चाट पकौड़ी खा के आते हैं। आए, चाट पकौड़ी खाई, फुर चले गए। वृंदावन आने का उद्देश्य क्या है? बोलो मेरी मां। वृंदावन लोग आते हैं, उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल प्रेम, कृष्ण से प्रेम होगा। यहां आकर उद्धव जी को प्रेम हो गया, यहां आकर उद्धव जैसे ज्ञानी प्रेम में डूब गए, और यहां आकर भी प्रेम का रंग ना चढ़ा तो आने का अर्थ क्या है? चाट पकौड़ी ही खानी थी तो ये तो तुम्हारे शहर में भी मिलती है। लड़ाई झगड़ा ही करने आए थे तो ये वहीं कर लेते अपने गांव घर में। बढ़िया व्यवस्था पाने आए, कुछ लोग कहते नहीं हम तो यही खाएंगे।